नमस्कार, मैं हूं प्राची राजपूत और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। बेगूसराय 85 कार्टून विदेशी शराब बरामद, एक पिकअप वैन भी जब्त। लाखो थाना क्षेत्र के बजितपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। लखीसराय ऑल्टो और बाइक में भीषण टक्कर, बाइक सवार दो की मौके पर ही हो गई मौत, एक महिला बुरी तरह से है जख्मी, निजी क्लिनिक में करवाया जा रहा है इलाज। ऑल्टो कार भी गड्ढे में पलटी। मैदनी चौकी थाना क्षेत्र के अवगिल गांव के समीप की है यह घटना, पटना के मड़ाची गांव के रहने वाले हैं मृतक। औरंगाबाद हार्डकोर नक्सली सुनील प्रसाद गिरफ्तार, अम्बा थाना के संडा से हुई गिरफ्तारी, कई नक्सली वारदातों में थी पुलिस को तलाश। SSB तथा अम्बा पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा CASP संचालक की गोली मारकर हत्या, एक माँ के माने गांव के पास की है यह घटना, रुपए से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। सासाराम में वज्रपात से दो भाई की मौत, अगररेड थाना क्षेत्र में वज्रपात का है कहर। नवादा जिले में कोरोना से दूसरी मौत, दिल्ली से कल ही लौटा था 40 वर्षीय व्यक्ति, हिसुआ के सोनाशा गांव का मृतक था। नवादा में अब तक दो लोगों की हुई है कोरोना से मौत, नवादा सिविल सर्जन विमल प्रसाद सिंह ने की पुष्टि। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव की घोषणा, 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को होगा चुनाव, 18 जून से 26 जून तक होगा नॉमिनेशन। पटना, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को भेजा कानूनी नोटिस, तेजस्वी द्वारा किए गए वीडियो के खिलाफ भेजा नोटिस, अशोक चौधरी ने वीडियो को बताया फर्जी, वीडियो को छेड़छाड़ कर जारी करने का आरोप, अशोक चौधरी ने 10 घंटे की दी मोहलत, तेजस्वी अगर माफी नहीं मांगे तो करेंगे मानहानि का दावा। पटना, सुशांत सिंह की बहन नीतू का कहना है कि सुशांत को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी, फाइनेंशियली उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, वो पिछले हफ्ते से ठीक महसूस कर रहा था। नीतू का कहना है कि सुशांत के डिप्रेशन के बारे में उनको जानकारी थी, लेकिन उनका भाई इतना बड़ा और भयानक कदम उठा लेगा इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। जमुई, सोए अवस्था में 65 साल के बुजुर्ग दुकानदार को गोली मारकर की गई हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, 28 जून को बुजुर्ग के पोती की थी शादी। छपरा, जमीन विवाद में मारपीट में दो महिला सहित आधे दर्जन लोग घायल, मसरक थाना के सिसई गांव की है यह घटना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।